एलओसी पर स्थित ऐतिहासिक स्थल पर गूंजी मन्नतों की ध्वनि। कश्मीर में 75 साल बाद हुई शारदा मंदिर में नवरात्र की पूजा। ऐतिहासिक है कश्मीर में शारदा मंदिर का पूजन। जम्मू कश्मीर के शारदा मंदिर में देश की आजादी के पहली बार नवरात्रि की पूजा हुई है। ये मंदिर कुपवाड़ा के टीटवाल में स्थित है। शरद नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को पूजा आयोजित की गई और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हम्पी के स्वामी गोविंदानंद सरस्वती अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक में भगवान हनुमान की जन्मस्थली किष्किंधा से रथ यात्रा पर सवार होकर टीटवाल गांव पहुंचे। टीटवाल गांव में मंदिर और गुरुद्वारा को 1947 में कबायली हमलावरों ने जला दिया था और उसी तर्ज पर जमीन के उसी टुकड़े पर एक नया मंदिर और गुरुद्वारा बनवाया गया, जिसका उद्घाटन 23 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। 75 वर्षों के बाद ऐतिहासिक मंदिर में नवरात्रि पूजा की सराहना करते हुए अमित शाह ने कहा, यह गहन आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार इस वर्ष कश्मीर में ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि का पूजन आयोजित किया गया है। शारदा का प्राचीन मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी में खंडरों में स्थित है। यह मंदिर हिंदू देवी मां शारदा को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती का अवतार माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर का निर्माण मूल रूप से पांडवों द्वारा अपने निर्वासन के दौरान किया गया था। यह भी माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा ललितादित्य मुक्तिपीठ ने बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। माँ शारदा देवी मंदिर हिंदुओं विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में भक्त आशीर्वाद लेने आते हैं, साथ ही देवी से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये देवी सती के गिरे हुए दाहिने हाथ के आध्यात्मिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है।